नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। खबर सिरसा से है, जहां नाथूसरी चौपटा के पास चौपटा भट्ट रोड पर गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं की बस और टेम्पो में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में टेम्पो सवार दो व्यक्तियों की मौत हो गई। गनीमत यह रही कि बस में सवार छात्राओं को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। सूचना मिलने पर नाथूसरी चौपटा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल के पास खेतों में काम कर रहे लोगों ने बताया कि नाथूसरी चौपटा से करीब 1 किलोमीटर दूर भट्टू रोड पर महिला महाविद्यालय जमाल की छात्राओं की बस और थ्री व्हीलर टेम्पो से जोरदार भिड़ंत हुई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार दो व्यक्ति गंभीर घायल हो गए। दोनों घायलों को नाथूसरी चौपटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल करवाया गया। वहां एक व्यक्ति को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। गंभीर घायल सुभाष पुत्र गोपाल निवासी सिरसा को सिरसा के नागरिक अस्पताल में रेफर कर दिया, मगर शाम होते होते दूसरे व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि कुडाराम मेमोरियल महिला महाविद्यालय जमाल कॉलेज की बस में चौपटा क्षेत्र के माखो सरानी नहराना शक्कर मंदोरी और शाहपुरिया गांव की करीब 15 छात्राएं सवार थी। छुट्टी होने के बाद इन छात्राओं को उनके घर छोड़ने के लिए कॉलेज की बस जा रही थी, इस दौरान यह हादसा हो गया। वहीं पुलिस ने बस ड्राइवर से भी पूछताछ की। हादसे के बाद छात्राएं सहमी हुई है।